आज शुक्रवार को तमिलनाडु के विरुधु नगर की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अचानक विस्फोट होने से आग लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया था। घटना स्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने विस्फोट के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पटाखों को तैयार करने के लिए कुछ केमिकल्स को मिलाया जा रहा था। इस पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं जताई हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के जरिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा मृतकों के परिवार को दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।